तो क्या हाल है सारे भाइयों के, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई लोकेशन देख के पता लग गया होगा आज हम फिर से आ रखे हैं मिगलानी टायर्स में। तो सबसे पहले मिलो भाई हमारे दिवांश भाई से। दिवांश भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ क्या हाल है व्यूअर्स के? बस बढ़िया बढ़िया। तो भाई बेसिकली दिवांश भाई का शोरूम है ये, और मिलो अंकल से। अंकल कैसे हो? हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया, सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। तो आज अपने पास फिर एक कार आ रखी है, वो काफी स्पेशल कार है। एक तो वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाती है, और जो आज उस पर काम होने वाला है वो भी शायद इस एरिया में तो नहीं मिलेगा ना। इस एरिया में क्या, आई गेस दिस इज वन इन इंडिया, फर्स्ट इंडिया, क्योंकि ये मर्सिडीज का वो मॉडल है। ये वो मॉडल है जिसमें किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो हम आज कर रहे हैं, जो करने वाले हैं। तो बेसिकली ये भैया की कार है। भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया, आप बताओ। बाकी कौन सी कार है अपनी? है भाई मर्सिडीज C220D। और उसके अंदर आज बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है, मतलब सीधा 4-5 इंच का फर्क आने वाला है। तो वो नीचे चल के दिखाते हैं हम लोग। दिवांश भाई फिर कर दिया जाए रिवील? करो भाई करो। कर दे अंकल। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करा है फिर आज भाई? जो करा है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। दिखाई देते हैं? हाँ। तो ये देख लो भाई सामने, अब अंधेरा है, लाइटिंग वगैरह की दिक्कत होगी तो मैनेज कर लेंगे। पर ये देख लो भाई C220D खड़ी है सामने अपने, लोडेड विद 20 इंचेस। हाँ, कौन सी कंपनी के लोहे से भाई? यूनिवर्सल। और टायर कौन से डाले इसमें? टायर इसमें भी इम्पोर्टेड डाले, इंडियन ब्रांच में कोई ऐसा। भैया क्या मजबूरी पड़ गई थी एकदम से? बस स्टॉक था भाई। पहले कौन से, कितने इंच आते थे इसमें? इसमें स्टॉक आता है भैया 205/55/16 इंच का लगा। और हमने कितना डाला? हमने डाला इसमें 235-30-20 भाई, कितना फर्क आ गया। अब सीधा 55 से 30। और स्टॉक वाले इसके बताऊं तो 16 इंच के थे भाई। वो सामने वो देखो, वो वाले कुछ नहीं है, वो तो फिर इसके सामने मतलब हमने अपनी इसुजु में 20 इंच डाल रखे हैं, वो जो खड़ी हुई है। हाँ। उसमें 20 इंच, कितनी बड़ी गाड़ी है यार इसुजु। और भाई का ना शौक था, शौक भी अपन नेक्स्ट हो गए। तो हाँ, 3 दिन से आ रहे हैं मेरे पास। तो हमने 18 इंची ट्राई किया, 17 इंच ट्राई किया, 20 इंच ट्राई किया। भाई का मन था 20 इंच डालना है तो डालना ही है। जिसने एक बार चला लिया ना 20 इंची, वो हाँ, भूल के जाएगा नहीं। वो ये बात है भैया को एक्सपीरियंस। आपने पहले कौन सी कार में डलवाए थे? मेरे पास भाई क्रूज थी। क्रूज, अब क्रूज में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 इंच जाता है कोई भी जाता। हाँ, तो हाँ, उसमें भी अपने 20 इंच ही थे। 18 में भी अगर 4-5 जने बैठते तो लग जाती है वो हल्की। हाँ, फिर भी इतना वो था कि इसमें अपनी मर्सिडीज में तो 20 डलवाए, क्रूज में भी 20 इंच डले थे। तो भाई अब उस क्रूज का क्या हुआ बताना चाहोगे आप? एक्सीडेंट हो गया था, वो गाड़ी का मेरा भाई लेके गया था, वो फूट गई थी। उसके बाद 1 महीने के बाद हमने ये मर्सिडीज ले ली थी। ये अभी नहीं ली है? हाँ। कितना टाइम हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 15 दिन। भाई महीना नहीं हुआ, और इतनी टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग भी गजब लेवल हो गई है ये। सीधा 20 इंच के। एक बार लुक चेक कर लो इसकी, सामने व्हाइट कलर की गाड़ी है और ब्लैक सिल्वर अलॉय है। भाई कैसे लग रहे हैं अलॉय? तो यार पब्लिक ही बता सकती है, आपके व्यूअर्स बताएंगे कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। देखो भाई टायर गाड़ी से कितना भार आ रहा है, बिल्कुल लो प्रोफाइल कर चुके हैं। ये देखो भाई नीचे तो टायर, जितनी भी वो कर लो टायर दिखेगा नहीं। भैया कोई एक शब्द बताओ जो बोलना चाहते हो। एक हिसाब से भैया गाड़ी अलॉय पे चलती है। सही बात है, क्योंकि देखो नीचे टायर तो दिखेगा ही नहीं। टायर ही नहीं दिख रहा भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो टायर दिखेगा, सिर्फ अलॉय अलॉय दिख रहा है। बाकी दिवांश भाई पीछे की प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा लग रही है, उसमें क्या डाला है? पीछे भाई हमने डाला है 275 सेक्शन का टायर, आगे हमने डाला है 235 सेक्शन का टायर। तो आगे बराबर नहीं कर सकते थे? हाँ जी, नहीं बराबर नहीं कर सकते थे, इन्हें कहते हैं स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स, जिसका आगे वाला अलॉय जो होता है वो कम, वो थोड़ी विर्थ में कम होता है, और पीछे वाला होता है वो विर्थ में ज्यादा होता है। तो ट्रैक्शन के लिए होता है बेसिकली। तो भैया इसके साथ दिक्कत नहीं आएगी आपको इन रोड्स पे? ना, हमें तो आदत पड़ रही है, काफी साल हो गए अब तो। बाकी अंकल आप क्या रिकमेंड करोगे सबको? हम ये रिकमेंड करेंगे कि मिगलानी टायर्स पे आप विजिट करिए, एक बेहतर डील मिलेगी यहाँ पे, और बेहतर वारंटीज मिलेगी। वारंटीज मिलेंगी। कैसा एक्सपीरियंस रहा भैया अभी तक का? भैया एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा है, दिवांश भाई हो गए, अंकल हो गए, इनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स, घर वाली बात हो गई बस। और ये मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड में कोई मुझे फिट करके नहीं दे सकता। ये वाला अलॉय विद दिस टायर, जिगरा होना चाहिए उसके लिए भी, डलवाने वाले में भी और डालने वाले में भी। बाकी फिटिंग्स वगैरह हमने क्या करी है इसमें? फिटिंग्स वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट फिटमेंट, मतलब भाई मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, गाड़ी आई है, टायर खुला है और डायरेक्ट फिटमेंट हुई है, कोई हमने एडजस्ट नहीं करा। पहली ऐसी गाड़ी है और जो पहले ऐसे टायर्स है जो डायरेक्ट फिट हुए हैं, डायरेक्ट फिट, कोई अल्टरेशन नहीं करनी, कोई अल्टरेशन नहीं किया इसमें, मतलब ना हमने कोई बंपर की कटिंग करी है, कुछ नहीं करा, एडजस्ट तक नहीं करा, कुछ नहीं करा, बिल्कुल डायरेक्ट फिटमेंट हुई है। पर एक बार लुक देख लो सामने, मतलब काफी प्यारी लग रही है। पहले ज्यादा लोग देखते होंगे, अब तो फिर और बढ़ जाएंगे। और क्या, ऊपर से जेड ब्लैक है, इसका क्या रीजन है?
रेड ब्लैक तो यार पहले से जब से गाड़ी चलानी सीखी है शौक ही रेड ब्लैक का। पहले भाई के पास थी क्रूज, उसमें हमने डाला था 18 इंचेस का अलॉय, फिर भाई के पास आई, फिर भाई ने क्रूज में डलवाया 20 इंच, नहीं नहीं फिर वही उसी क्रूज में 20 इंच का अलॉय, ओके, और उसमें भी 275 सेक्शन का टायर डाला था। अब भाई के पास आई है मर्सिडीज, इसमें भी 20 इंच, भाई स्विफ्ट में भी डलवा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। भाई का गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए बस भाई। एक बार सामने से लुक चेक करो इसकी, बाकी एक वॉक अराउंड अभी मैं देता हूँ पूरी गाड़ी का, सामने से देखो मतलब बहुत प्यारी लग रही है, पब्लिक रिएक्शन तो अब तगड़े मिलने वाले हैं। बिल्कुल भाई, सारा मॉडल मर्सिडीज है, कुछ ऐसा सा क्लासी सा इंटीरियर मिल जाएगा, बिल्कुल साफ गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हैंड भाई ने गाड़ी परचेज करी है और उसके बाद इतना जिगरा भाई कम ही लोग दिखाते हैं। तो मैं भाई इसके स्टॉक अलेवेबल जो भैया को गाड़ी के साथ मिलते हैं, तो भैया मजा नहीं आ रहा था इसमें, चलाने में तो आ रहा होगा, चलाने में आता है पर इसमें चलाने में भी ज़्यादा ही आएगा वैसे, वो जब सामने से देखेंगे ना लोग बार बार मुड़ मुड़ के गाड़ी देखेंगे फिर मज़ा आएगा। ये खड़ी भाई अपनी मर्सिडीज फुल रेडी हो चुकी है, सामने देख लो भाई, बाकी सामने सामने से इसकी लुक दिखाऊं तो ये देखो डिमन इसमें भी डली हुई है और शाइन जो मार रही है ना, लग नहीं रहा ना जैसे कि 10-11 साल पुरानी गाड़ी है, जिस हिसाब से शाइन मार रही है। भाई ने मेरे को फोटो भेजी थी गाड़ी लेने से पहले, भाई ने पूछा था कि यार इसमें अलॉय टायर डलवाने हैं क्या हो जाएगा, मैं कहा हो तो सब जाएगा, कहता है क्या करूँ गाड़ी साफ लग रही है, मैं कहा यार गाड़ी तो बहुत जाएगी, गाड़ी ले लो। मैं हल्द्वानी से हूँ भाई, तो हल्द्वानी तो यहाँ से मतलब जैसे दूर पड़ता है 20-25 किलोमीटर, तो वहाँ छोड़ के यहाँ पे कैसे? देखो ना जैसे मैंने पहले ही बताया था अपने फैमिली टर्म्स है भैया लोग के साथ, और मैंने 3-4 जगह में और भी ट्राई किया, किसी ने मतलब हाँ नहीं कही इसमें 20 इंच फिट हो जाएंगे और मुझे इनके जैसे जेन्युइन प्राइस कहीं लगे भी नहीं, प्राइस भी और क्वालिटी भी। और अंकल का बहुत अच्छा नेचर है, दिवांश भाई का भी बहुत अच्छा नेचर है, बाकी काफी। अंकल को कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे ऑलमोस्ट 30 या 35 ईयर 30-35 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर बोलता है जी सही बात है, उम्र से भी डबल, तो उतने का तो इस काम का एक्सपीरियंस है, तो कहाँ दिक्कत आनी है। बाकी इनके पास प्लेटी अलॉय व्हील्स की क्या है मेंबर, वो है डीलरशिप है नियो की, और प्लेटी की आपको डीलरशिप मिलेगी, तो हमने उस दिन बताया था अंकल ने पिछली वीडियो में थार की, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी जाके देखना, सब कुछ प्रूफ के साथ आपको मिलेगा, कॉपी रिटर्न मिलेगा कि बिल वगैरह के साथ, हाँ वारंटी वगैरह कार्ड वगैरह के साथ मिलेगा प्लेटी अलॉय व्हील्स, कोई इसमें फ्रॉड वगैरह तो कर ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। बाकी गाड़ी चेक करो भाई, बाकी अंकल को चलाने वगैरह में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी कोई दिक्कत। बाकी अगर कोई जेन्युइन इंसान आता मतलब जिसने अपने कंफर्ट के हिसाब से डलवाने हैं किसी लग्जरी कार में, तो क्या प्रेफरेंस देते हो आप, 16 से कितने जा सकते हैं? 16 से मैक्सिमम 18। 18 बाकी डिजाइन एक से एक पड़ा होगा हमारे पास, रेडी स्टॉक एक से होता है, वो तो हमारे इनकी बेटे की चॉइस थी कि मुझे 20 डालना है, तो इसलिए हमें करना पड़ा, इनके लिए अरेंजमेंट करने पड़े सब कुछ, तो बच्चे का शौक पूरा किया हमने आज, बट हमने गाड़ी को कुछ हाथ नहीं लगाया गाड़ी में, हाँ, कोई अल्टरेशन नहीं करी, ये तो खुशी हो रही थी भाई, खुशी कि मतलब कोई अल्टरेशन वगैरह नहीं, डायरेक्ट टायर फिट करा, उसके बाद भी आप देख लो कितनी स्पेस है, काफी स्पेस आगे बच जाएगी, हमने पूरा टायर घुमा के भी दिखाया है, ये देखो भाई, बाकी अलॉय की शाइन देख लो, रात में इतनी है तो दिन में सोचो, खुश हो भैया फिर अब? बहुत बहुत मेरे भाई, ये पुराने टायर्स अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि कभी ट्रैवलिंग वगैरह करनी हो तो चेंज करा के, मैं ज्यादातर ट्रैवल ही करता हूं वैसे तो, शौक है लगवाया लोकल में चलाने के लिए, टॉर होनी चाहिए पूरी, तो भाई उसके लिए भैया पुराने टायर अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं। वैसे भाई अगर किसी को पुराने टायर वापस करने तो वो हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, मैंने तो भाई को भी कहा था, बहुत बढ़िया रेट दिए थे उसके भी, पर भाई का प्रेफरेंस था कि ज्यादातर उनके लॉन्ग टूर ही लगते हैं, बस गेड़ी गुड़ी मारने के लिए भाई ने 20 इंच डलवा लिए, बाकी लॉन्ग टूर के लिए आपके 16 इंच ही। तो इसी के साथ एंड करते हैं भाई इस वीडियो को, होपफुली वीडियो आप लोगों को काफी बढ़िया लगी होगी, भाई कुछ नया है अपने एरिया में तो पहली है, या नॉर्थ इंडिया में भी पहली हो सकती है, इंडिया में भी पहली हो सकती है, नॉर्थ इंडिया तक तो कंफर्म है कि मर्सिडीज का ये मॉडल आपको 20 इंचेस में नहीं मिलेगा। बाकी एंड करते हैं वीडियो को, सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, बाय बाय कह दो भाई सारे फिर, ओके अंकल, बाकी किसी को भी अगर किसी चीज़ की भी वो चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा अपने शोरूम का सब कुछ मिल जाएगा, अंकल को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और टायर वगैरह किसी चीज़ की भी वो कर सकते हैं, ठीक है रमेश भाई, ओके भाई।